रेसिडेंसी इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, एडमिशन आर ओपन। और आज जो हम यहाँ पर जमान है उस शहीद की आजादी के दिन को याद करने के लिए जमान है। मुझे ये बताइए कितने लोगों को आजादी चाहिए? सब लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए आजादी? बिल्कुल हर शख्स आजाद है। और आज जो हमें इस साल का जो आजादी का दिन मना रहे हैं वो बहुत स्पेशल है। वो इसलिए स्पेशल है कि आज आजाद हिंदुस्तान को आजाद हुए कितने साल है? 75 ईयर्स हो गए हैं। बहुत कम लोग आज मौजूद हैं जिन्होंने आजादी को अपनी आंखों से देखा है। आजाद हिंदुस्तान को पहली दफा जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था वो बहुत कम लोग रह गए हैं। बहुत वो उनकी जो जनरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ये आजादी कितनी अहम है आज हम समझ सकते हैं। हम आजाद हैं, हम अपनी आजादी के साथ अपना काम कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन अपना सकते हैं, अपनी जो है जिंदगी को गुजार सकते हैं। ये आजादी उस वक्त नहीं थी, उस आजादी को हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिलाया। इसीलिए जो इस साल जो है हमारे 75 ईयर्स अपने आजादी के मुकम्मल हो चुके हैं और इसीलिए हम इस साल मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। इस बार हम मना रहे हैं और हम जोश और जल्द से मनाएंगे। ये हम ईद की तरह मनाएंगे। ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है, जिस तरह से ईद मनाते बैठे इसको भी मनाएंगे। डियर पेरेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं अपने बच्चों को वो कई तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए। हम यहाँ पर कमिटमेंट है, हमने इस बात का अहद किया है, हमने इस बात का आपसे वादा किया है, आपके बच्चों की परिवार को बहुत ऊपर लाएंगे, उन्हें बहुत ऊपर लेके जाएंगे, बहुत ज्यादा उनकी तरक्की कराएंगे। इसीलिए जो हम यहाँ पर हर मौके का इस्तेमाल में आते हैं। यहाँ जो कॉम्पिटिशन हुए एक नित नए तरीके के कॉम्पिटिशन यहाँ पर किए गए। यहाँ पर ये परफॉर्मेंस हो रहा है, ये सब इसलिए है ताकि आपके बच्चे आगे बढ़े और हमारे बच्चे आगे बढ़कर उस मुल्क का मुल्क को जो है बहुत आगे लेकर जाए। हमारा मुल्क आजाद होकर 75 साल हुए हैं। इसमें हमने बहुत सारी चीजें हासिल की हैं, बहुत सारे अचीवमेंट हमने किए हैं। तो हमने जो है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को यहाँ पर गुजारा है। 75 साल जो हमारे आजादी के हुए हैं और इन 75 सालों में हमारे मुल्क ने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं। ऐसी तो बड़ी लंबी लिस्ट है लेकिन उतना ही छोटा छोटा सा गिनाएंगे। हमारे मुल्क ने क्या क्या किया? हमारे मुल्क जब आजाद हुआ उसने हर हिंदुस्तानी को जिसकी उम्र 18 साल थी उसको ये हक दिया कि वो अपना वोट डाल सकता है, वो अपनी रूमा चुन सकता है। ये जो है हर हिंदुस्तानी को उसका हक मिला। और हमारे नाते ही है कि हम जो है इस हक को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे लोग हमारी हुकूमत में आते हैं। ये पहला हक जो हिंदुस्तान में मिला जिसकी वजह से देखिए इतनी तारीफ है हिंदुस्तान की। जब जब भी किसी हुकूमत ने अपने आप को बड़ा समझा, अपने आप में फखर किया तो उत्तर सुनी क्या करते हैं उनको वापस घर में बिठा दिया। ये पहला जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम सचिवमेंट इंडिया का है। यहाँ पर हर 18 साल के नागरिक को हर 18 साल के सिटीजन को वोट देने का हक दिया गया। फिर उसके बाद जिस वक्त हमारा मुल्क आजाद हुआ उस वक्त हमारे मुल्क में थोड़ी की स्टेट थी, थोड़ा बहुत कम होता था। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि ग्रीक रेवोल्यूशन आया। बच्चों मालूम है ग्रीक रेवोल्यूशन की थी? पता है ग्रीक रेवोल्यूशन? ग्रीक रेवोल्यूशन आया 60s और 70s और 80s के बाद में। उसके बाद हमारे पास इतना फूड हो गया कि आज हमारे पास मुल्क में जितना फूड हो गया उतना पूरा बन के एक्स्ट्रा होता है जिसे हम दूसरे मुल्कों को बेचते हैं। इतना हमारा मुल्क आगे बढ़ गया। अभी अलग बात है डिस्ट्रीब्यूशन सही होता है या नहीं होता है लेकिन बहुत ज्यादा फूड हमारे मुल्क में अब प्रोड्यूस होता है। हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा फूड बनता है, मिल्क प्रोडक्शन में हमारा मुल्क सबसे आगे है। वाइट रेवोल्यूशन इंडिया में आया और इस कुरियन जो साइंटिस्ट है उनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। हमारे मुल्क में दूध सबसे ज्यादा होता है और वो इस्तेमाल में भी आता है और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी हमारे जो पैसा वो भी बढ़ रहा है। फिर इसके बाद हमारे मुल्क में स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारे मुल्क ने बहुत तरक्की की है। मुझे लगता है स्पेस में हमारे मुल्क में कौन सी कमिटी काम कर रही है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इससे बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं। हमारे मुल्क ने सिर्फ 450 करोड़ में मार्स
मार्स में अपने जो है सैटेलाइट है मार्स ऑर्बिटल मिशन हमारे ऊपर मिल गया। इतने काम और है बॉलीवुड के चार फिल्म नहीं बनते, आमिर खान की एक फिल्म से ज्यादा खर्च होता है, लेकिन जो है हमारे लिए इतनी कम अमाउंट में मार्च में अपने जो है सैटेलाइट को भेजा। और उसके बाद हमारे लिए चांद में अपने जो है सैटेलाइट को भेजा चंद्रयान। फिर इसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जिसका पूर्ण दौरा हुआ था बहुत ज्यादा बच्चे जो है पोलियो से पोलियो, लेकिन अब इंडिया में पोलियो में कोई ऐसा नहीं है, इंडिया में जहाँ पोलियो थी पोलियो इंडिया में नहीं है, खत्म हो गया है, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मार्वल अचीवमेंट है इंडिया का। फिर उसके बाद हमारे मुल्क में जो है हेल्थ में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, जितना होना था उतना नहीं हुआ, ये हुआ है। कोविड की वैक्सीन हमारे को इंडिया में बनी, हमने जो कोविड वैक्सीन ये लोग इंडिया में बनी, ये मास्क नहीं लाना पड़ा, तो ये भी जो है बड़ा अचीवमेंट हमारे पास है इंडिया में। फिर उसके बाद देखिए और चीज हमारे जो पहले क्या हुआ था आजादी के बाद उस वक्त बहुत सारे बच्चे मैदान में मर जाते थे, बहुत सारे जो माए हैं उस वक्त उनका इंतजार जाता था, लेकिन अब ये हुआ कि इतना डेवलपमेंट हुआ है कि अब तो पैदा होने वाले बच्चों की जो मरने की जो सुराह कम हो चुकी है, यानी हेल्थ में उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। इसके बाद जो है असल जो चीज है जो हमारे प्रॉब्लम है इंडिया के, सब लोग सुनिए, दो मिनट में फोन कर रहा हूँ, हमारे जो इंडिया की प्रॉब्लम है वो क्या है। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे पास जो है इंडिया में बहुत सारे लोग बेरोजगार है, तो हम इस बेरोजगारी को हमें खत्म करना है कैसे खत्म करेंगे। हाँ हम ये माँ बाप पेरेंट्स टीचर्स और हम सब मिलकर ये बहुत करेंगे कि हमारे बच्चे इतने सफिशियंट बने